सुजानपुर टीना में गणपति की मूर्ति की स्थापना 2 सितंबर को कर दी गई थी, जिसके उपरांत 10 दिन मूर्ति मुख्य ऐतिहासिक चौगान मैदान में रखी गई और मूर्ति की पूजा करने के बाद 12 सितंबर को उसका ब्यास नदी में विसर्जन कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के गुणगान के साथ ये कामना की कि अगले वर्ष वे शीघ्र आए और सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। सुजानपुर टीहरा में गणपति की मूर्ति की स्थापना 2 सितंबर को कर दी गई थी, जिसके उपरांत 10 दिन मूर्ति मुख्य ऐतिहासिक चौगान में रखी गई थी और मूर्ति की पूजा करने के बाद 12 सितंबर को उसका ब्यास नदी में विसर्जन कर दिया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने गणपति बप्पा मोरे का गुणगान किया और अगले वर्ष शीघ्र आने की मंगल कामना की। गणपति कमेटी के संचालक आशुतोष ने बताया कि गणपति का विसर्जन ब्यास नदी में कर दिया गया है और गणपति से प्रार्थना की गई है कि इस शहर में सुख समृद्धि और मंगल कार्य होते रहे। अगले वर्ष भी कमेटी द्वारा गणपति की स्थापना की जाएगी।